इकरा एजुकेशन में दोस्तों फिर से एक और बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है आपकी, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेम फोर सेमेस्टर फोर स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर फोर का कुछ सम जो है वो मैं आज आपको गिनवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। तो बीकॉम सेम फोर स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर का नाम है सामयिक श्रेणी, और ये जो सम है ये चैप्टर फोर के जो सम आते हैं वो टोटल उसके मार्क्स जो होते हैं वो 14 मार्क्स होते हैं। 14 मार्क्स के ये सम आता है सेम चैप्टर फोर में से। तो सब इसमें तीन चार रीत पूछाती है, उसमें से आज मैं पहली रीत करने वाला हूँ, उसका नाम है चलित सरेरासनी रीत। उसके 7 मार्क्स है चलित सरेरासनी रीत, 7 मार्क्स होते हैं इसके। और इसका जो कोष्टक होता है बेसिक इस टाइप से होता है, उसमें सबसे पहले वर्ष होता है, उसके बाद वाई मतलब कि जो भी हमें कीमत दी हुई है वो, उसके बाद चलित सरवाड़ो, जितने चलित का बोला हो हमें, 3 वर्ष नो सरवाड़ो या तो फिर 4 वर्ष नो सरवाड़ो, 5 और 7 वर्ष नो सरवाड़ो, ये इतना अलग अलग रीत होती है इसमें। 3 वर्ष नो सरेरास सरवाड़ो उसका रीत अलग होती है, 4 वर्ष नो सरेरास सरवाड़ो उसकी रीत अलग होती है, और 5 वर्ष को अलग और 7 वर्ष का अलग, ये सब अलग अलग होता है। हम आने वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है चलित सरेरास, ये होता है वलण। इसके बाद लास्ट होता है अल्पकालीन वधघट। तो यहाँ पर मैं आज आपको समझा देता हूँ कि 14 नंबर का सम है 14C, और ये 2012 में पूछा चुका है। ये रकम इस टाइप की दी हुई है हमें, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है 1994 से लेकर 2003 तक का हमें वर्ष दिया हुआ है, और नीचे कुछ उत्पादन दिया हुआ है। तो देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने ऊपर जैसे कोष्टक बताया वैसा कोष्टक आपको दो लेना है। यहाँ पर वर्ष वाय, और हमें यहाँ पर बोला है त्रण वर्ष नी चलित सरेरास सामयिक श्रेणी नु वलण शोधो। तो हमें 3 वर्ष का चलित सरवाड़े के हिसाब से हम ये सम गिनेंगे। सबसे पहले वर्ष वाय, 3 वर्ष नो चलित सरवाड़ो, चलित सरेरास मतलब टी और इसको वलण भी बोलते हैं, इसके बाद अल्पकालीन वधघट, अल्पकालीन वधघट तो वाई माइनस टी। तो सबसे पहले वर्ष और वाई ऊपर हमें दे दिया है, वैसा एज इट इज आपको यहाँ पर लिख लेना है, एज इट इज जैसा दिया है वो यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद सबसे पहले आता है, यहाँ पर है 3 वर्ष नो चलित सरवाड़ो। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहली लाइन डेस कर देनी है। पहली लाइन डेस हो जाने के बाद ये 3 जो दिया हुआ है 75, 60 और 54, ये तीनों का सरवाड़ा करके आपको 60 के सामने रखना है। यहाँ पर 189 साइड के सामने रखना है आपको 189। इसके बाद नीचे भी आपको ऐसा ही करना है, 60, 54 प्लस 59, ये तीनों का सरवाड़ा करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको 54, 59 और 86, ये तीनों का सरवाड़ा करके यहाँ पर लिख देना है 199। इसी तरह सब आपको करना है, सब जितने भी है ऐसे सब आपको टोटल करते जाना है, और लास्ट में भी डैश आ जाएगा। और अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट का सरवाड़ा करना है हमें, तो देखना है कि कितना होता है और उसको यहाँ पर लिख देंगे तो टोटल मैच हो जाना चाहिए। तो ये तो हमने ढूंढा 3 वर्ष नो चलित सरवाड़ो। इसके बाद आता है चलित सरेरास, वलण बोलते हैं इसको और इसको टी भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा चलित सरवाड़ो। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जो ये 3 वर्ष नो चलित सरवाड़ो ढूंढा है उसको भाग्या हमने कितने वाई का टोटल किया, 3 वाई का टोटल किया, 3 वर्ष का टोटल किया, तो हमें 189 भाग्या 3 कर देना है।
ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? 63, 63 मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज ऐसा ही करना है। 373 भाग्या 3 वर्ष नो चले चर वालो था, तो हमें यहाँ पर 3 से भागना है। अगर 4 वर्ष का पूछा हो तो 4 करना है, 5 वर्ष नो किया हुआ है तो हमें 5 से भागा कर डिवाइडेड करना है। तो यहाँ पर 373 भाग्या 3 करूँगा मैं तो 57.67। इसके बाद 199 को मैं 3 से डिवाइडेड करूँगा तो 66.33। और 210 को अगर मैं 3 से डिवाइडेड कर दूँगा, भागाकार कर दूँगा तो आ जाएगा 70। ठीक है, इसी तरह ये सब का सब आपको इसी तरह ही करना है। लास्ट में आपको यहाँ पर डैश रख देना है। इसके बाद एक लास्ट आता है छेल्ला जो है अल्पकालीन वधगढ़। अल्पकालीन वधगढ़ जो है अल्पकालीन वधगट, इसका ये कैसे रेट ढूंढेंगे हम? तो ये वाई जो दिया हुआ है, ये वाई जो दिया हुआ है उसमें से टी को मैं माइनस कर दूंगा, वाई माइनस टी, तो हमें मिल जाएगा अल्पकालीन वधगट। तो देखिए कि ये हमारे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डैश ही रख देना है, सबसे पहले आपको डैश रख देना है। उसके बाद y कितना दिया हुआ है 60, और अल चलित सरेआस मतलब t कितना दिया हुआ है 63। तो 60 में से ना दोस्तों 60 में से 63 को मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा -3। उसके बाद 54 में से मैं माइनस करूंगा 57.67, तो कितना आंसर आ जाएगा -3.67। उसके बाद 59 में से मैं 66.33 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा -7.33। फिर है 86 में से अगर मैं 70 को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 16। एज इट इज आपको 6 के लास्ट तक आंसर ला देना है, 6 के लास्ट तक आपको यहां पर ला देना है सर। तो दोस्तों आई होप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था, रीत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, 47 मार्क्स का ये सम था। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं।